नमस्कार, WH News में मैं कीर्ति आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे विशेष प्रोग्राम नेता की बात पे हमारे साथ है भूषण सोमकुंवर, जो शौर्य सेना संस्थापक है। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने शौर्य सेना की स्थापना की। हालांकि अभी 18 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समाज सेवा से जुड़ने का इनका जो कार्य है, जो इनकी सोच है, वो बहुत अच्छी है, जो आगे की युवाओं को प्रेरणा देती है। इनकी शौर्य सेना जो है वो नागपुर जिले के अंतर्गत भी कार्य करती है तथा समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा ये अग्रसर रहते हैं। तो हम बात करते हैं भूषण सोमकुंवर से, जानने की कोशिश करते हैं शौर्य सेना के बारे में। भूषण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम जय शिव राय। मैं भूषण, शौर्य सेना का मैं संस्थापक होने के नाते मैं अपने शौर्य सेना के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। शौर्य सेना एक ऐसा संगठन है जो हर वो युवा के लिए हमारे शौर्य सेना के दरवाजे खुले, जो आज व्यसन में जा रहे हैं। और आज की अगर युवा पीढ़ी हम देखें तो युवा पीढ़ी आज हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमको व्यसन में दिखती है, और शौर्य सेना के माध्यम से हम उन सभी युवाओं को एक मंच देना चाहते, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जो युवा आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के और बहुजन हिताय के जितने भी महापुरुष थे, उन सभी के मूवमेंट से जो आज युवा बिखरे हैं, उन सभी युवाओं को शौर्य सेना एक प्लेटफॉर्म देती है। शौर्य सेना उन सभी को एक मंच देती है अपने विचार रखने के, कि हमारे पूर्वज जो लोग थे, जो हमारे इतिहास के जो महापुरुष थे, उन सभी की चळवळ क्या थी, उन सभी ने हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए, और आज जो हम जीवन जग रहे हैं उसके लिए क्या योगदान दिया, उन सभी का इतिहास जानने के लिए और उन सभी का इतिहास इन सब नागरिकों तक पहुंचाने के लिए शौर्य सेना ये सभी युवाओं को एक मंच देती है। भूषण, हमें बताइए, आप समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं और साथ में आप एक स्टूडेंट भी, आप पढ़ाई भी कर रहे, तो आप अपने एजुकेशन के बारे पे और ये दोनों चीजों के लिए आप किस तरह से टाइम निकालते, आपका शेड्यूल क्या है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपके इस सवाल का जवाब देते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक मराठी में वाक्य है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और उनकी चळवळ को मद्देनजर रखते हुए वामन दादा कर्डक ऐसे भूल गए कि संघटन हजारे झाल्या, नेते हजारे झाले, कुना मनावे आपले चेहरे हजारे झाले। संघटन हजारे झाल्या, नेते हजारे झाले, कुना मनावे आपले चेहरे हजारे झाले, तू पाहिलेली स्वप्न पूर्ण झाली का रे, भीमा तुझ्या मताची माणसे मिलित करे, असे वामन दादा कर्डक ये कुछ साल पहले बोल के गए। और उसी उनके इस वाक्य को याद रखते हुए आज का जो हमारा समाज है, जो आज पढ़ा लिखा है, पर पढ़ा लिखा समाज ही कहीं तो भी बाबा साहेब की जो चळवळ है, बाबा साहेब की जो मूवमेंट है, उसको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। डॉक्टर, आप हमें ये बताए कि शौर्य सेना बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किसने आपको मोटिवेशन दी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं नवी कक्षा में था, तब नवी कक्षा में होते हुए मैं अपने जो स्कूल थी वो स्कूल में मैं ऐसी कुछ एक्टिविटीज करता था, जिसमें मैं संविधान दिन में मैं संविधान की प्रत पढ़ने का मेरे स्कूल में मैं प्रयत्न किया था, मैं मेरे स्कूल में संविधान दिन मनाने का प्रयत्न किया। तब जो मेरे स्कूल के संचालक थे, एक व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उनके तरफ से मुझे वो संविधान दिन के कार्यक्रम के लिए विरोध हुआ। तब से ही मुझे ये शौर्य सेना, और तभी से मुझे पता चला कि हमारा समाज कहाँ पे पीछे। अक्सर हमें एक बात याद आती है कि हम बचपन में एक चीज़ पढ़ चुके कि हमारा जो समाज है आज, हकीकत में हमारा समाज वही कंडीशन पे है कि हमने बचपन में एक पढ़ा था कि एक बूढ़ा आदमी होता है जिसे चार लड़के होते हैं, चार लड़कों को वो एक एक लकड़ी बांटता है, तो एक एक लड़की लकड़ी हर कोई तोड़ पाता है, पर चार लकड़ियों का अगर वो गुच्छा अगर कोई भी बेटे को देता है तो वो गुच्छा कोई नहीं तोड़ पाता। उसी तरीके से आज हमारा समाज हमारे सामने हमको देखने मिलता है, आज हमारा समाज ये हर टुकड़ों में बांट के हमें दिख रहा है, और वही टुकड़े को जोड़ने का काम ये मैं शौर्य सेना के माध्यम से कर रहा हूँ। तो ये थे शौर्य सेना के संस्थापक भूषण सोमकुंवर। फिर मिलेंगे एक विशेष व्यक्ति के साथ, तो देखते रहिए नेता की बात।